परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। बाइबल में एक जगह में हम पढ़ते हैं, प्रभु का दास कहते हैं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया, वो आपके लिए हर एक काम कर सकता है। परमेश्वर आपके लिए सारा इंतजाम करेगा, आपके लिए प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं बहुत खुशी के साथ एक और बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्रियो, आइए आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। यरेमिया उसका 32 अध्याय उसका 17 वचन हम लोग ध्यान करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आप और हम जिस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो अपनी भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। ये वचन इतना सुंदर से बता रहा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपनी बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपनी भुजा से आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया है, बनाया है। हालेलुया। और आगे लिखा है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमेन। हमारा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, सब कुछ वो कर सकता है। जो डॉक्टर नहीं करेगा वो परमेश्वर कर सकता है। कभी कभी डॉक्टर बोल देंगे हमसे नहीं हो पाएगा, तब परमेश्वर के पास आना। परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, मुर्दा को वो जिला सकता है, समुद्र में मार्ग बना सकता है, सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। 5 रोटी 2 मछली से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को परमेश्वर भोजन खिला के तृप्त किया। ऐसे बहुत सारे प्रभु बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से कठिन कुछ भी नहीं है। वचन बता रहा है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, सब कुछ उसके लिए आसान है। वो सबको आसान रीति से कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी है। हम परमेश्वर में घमंड करना है, क्योंकि हम ऐसा परमेश्वर को जानते हैं जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है और जिससे कोई काम कठिन नहीं है, सब कुछ वो कर सकता है। वो परमेश्वर की आराधना हम लोग कर रहे हैं, उस परमेश्वर की उपासना हम लोग कर रहे हैं, उस परमेश्वर पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं। हम कितना धन्य हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको कोई जरूरत है क्या? आपको स्वास्थ्य का जरूरत है क्या? आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए क्या? आपका परिवार में बरकत चाहिए क्या? आपको आशीष से, धन संपत्ति की आशीष से चाहिए क्या? आपका परिवार हरा भरा खुशी से रहना है, तो परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगना। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाली बना सकता है, आपको परिवार को हरा भरा रख सकता है, आपको हर एक आशीषों को दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। बाइबल में एक जगह में हम पढ़ते हैं, प्रभु का दास कहते हैं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया, वो आपके लिए हर एक काम कर सकता है। परमेश्वर आपके लिए सारा इंतजाम करेगा, आपके लिए प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर से, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकता है। जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। जो कभी कभी बहुत बड़ा बीमारी हो जाती है उसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ठीक कर सकता है। हालेलुया। 4 दिन का मुर्दा कोई जिला नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अपनी जबान से बुलाया
कब्र में कब्र तक जाकर लाजर को कहा, वो जो व्यक्ति मर गया था उसका नाम लाजर था, चार दिन हो गया था मर के, यीशु मसीह उस कब्र को खुलवा कर सिर्फ आवाज देता है, लाजर उठ के बाहर आ, वो जिंदा होके बाहर आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, प्रभु जो कहता है वो हो जाता है। प्रभु आपके परिवार में के, आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए कुछ कह दें तो वो जरूर होगा। आज प्रभु के चरणों में हम बैठेंगे और प्रभु से आशीषें मांगेंगे। आपके परिवार के लिए क्या जरूरत है, आपके लिए क्या जरूरत है, आपके भविष्य के लिए क्या, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं, आप अच्छा जॉब पाना चाहते हैं, जो भी आपको जरूरत है घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करिए, हे खुदा परमेश्वर मुझे सहायता कर, यीशु मसीह से मांगिए। जरूर यीशु मसीह आपके परिवार में बड़ा बड़ा चमत्कार कर सकता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। प्रभु आपके लिए बड़ा बड़ा काम कर सकता है। विश्वास करना प्रभु पर, प्रभु से प्रार्थना में मांगना, प्रभु आपके लिए बड़ा चमत्कार करेगा, आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, प्रभु इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप ही परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप हमारे जीवन में बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु जी। तू सर्वशक्तिमान है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, इन मेरे भाई बहनों के लिए, अगर किसी को स्वास्थ्य का जरूरत है प्रभु, उनको अच्छा स्वास्थ्य देना। अगर कोई किसी को जॉब की जरूरत है प्रभु, उनको अच्छा जॉब देना। अगर परमेश्वर हर किसी को प्रभु जी, जो भी उनकी जरूरत है परमेश्वर, आप उनकी जरूरतों को पूरा करना, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु आप इनके परिवार में हर एक आशीषों को करिए, इनको जो जरूरतें हैं, जो आशीषें चाहिए इनको आप दीजिए परमेश्वर। आप इनके हर एक जरूरतों को प्रभु जी अपनी इच्छा के अनुसार आप पूरा कीजिए प्रभु। आप इनको आशीष करना मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।